नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। उत्तराखंड के चमोली जिले में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हुई और वहीं बद्रीनाथ हेमकुंड की चोटियों में बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 24 घंटे में एवलांच आने की चेतावनी दी है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 24 घंटे में 3500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच की चेतावनी दी गई है और साथ ही उन्होंने सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। बता दें, चमोली जिले में शनिवार को भी दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई है, जिससे ठंड महसूस की जा रही है। बारिश और बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में यात्रा तैयारी को लेकर भी दिक्कतें सामने आ रही है। धाम में रंग रोगन के साथ यात्रा तैयारियों के कार्यों में मंदिर समिति के मजदूर जुटे हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार भी हैं और चोटियों पर हल्का हिमपात हो सकता है। वहीं सोमवार और मंगलवार को पहाड़ों में बारिश और निचले इलाकों में ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कहीं कहीं अंधड़ चलने के भी आसार हैं। केदारनाथ धाम में पिछले 7 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। रुक रुक कर हुई इस बारिश ने राहगीरों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं, तो वहीं ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। ऊंचाई वाली जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते एक सप्ताह से केदारनाथ के साथ ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं केदारनाथ यात्रा तैयारियों में जुटे विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और मजदूरों को यात्रा तैयारी को करने में दिक्कत आ रही है। 2 दिन से पैदल मार्ग से बर्फ हटाई नहीं जा रही है, जबकि केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी से निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि रविवार से मौसम के खुलने की उम्मीद जताई जा रही है, पर यात्रा तैयारियों में मौसम जिस तरह बाधक बन रहा है, उससे आने वाले दिनों में सरकार, प्रशासन और BKTC को यात्रा व्यवस्थाएं आनन फानन में करनी पड़ेगी। तो वहीं देहरादून के डोईवाला में बेमौसम बारिश से ग्राम सभा कालूवाला में सिंचाई नहर का कुछ हिस्सा ढहकर नीचे खेतों में गिर गया है, जिससे सिंचाई नहर के साथ ही खेतों में गिरे मलबे के चलते फसल भी खराब हुई है। ग्राम प्रधान कालूवाला पंकज रावत ने बताया कि मार्च के महीने में ज्यादा बारिश के चलते कालूवाला सिंचाई नहर का लगभग 20 मीटर हिस्सा ढहकर नीचे खेतों में चला गया, जिससे जहां मरम्मत होने तक उक्त नहर में सिंचाई व्यवस्था बाधित रहेगी, तो वहीं खेतों में मलबा जाने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि रात के वक्त नहर में जल स्तर बढ़ने के बाद नहर में अत्यधिक कूड़ा फंस गया, जिससे पानी का दबाव नहर में झेल नहीं पाई और नहर बिखर गया। उन्होंने सिंचाई विभाग से जल्द उक्त नहर को ठीक कराने की मांग की है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा सके। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।